दोस्तों, गूगल एक ऐसा इकलौता सर्च इंजन है जो कि अपनी पॉपुलैरिटी और बेटर परफॉर्मेंस की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मार्केट में सिर्फ एक ही सर्च इंजन मौजूद है, बल्कि इसके अलावा कुछ ऐसे सर्च इंजन्स भी हैं जो कि गूगल की तरह ही फास्ट और रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए गूगल की तरह ही कुछ ऐसे ही खास अल्टरनेटिव सर्च इंजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं द टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गूगल के जैसे ही अल्टरनेटिव सर्च इंजन की लिस्ट में नंबर वन पर आने वाला सर्च इंजन है बिंग। दोस्तों, इस बिंग सर्च इंजन को अमेरिका की एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था। हालांकि अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल को यूज़ करने वाले यूज़र्स की संख्या 86% के करीब है, और वहीं पर बिंग सर्च इंजन को यूज़ करने वाले यूज़र्स की संख्या 2.47 के अराउंड एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, फिर भी ये बिंग सर्च इंजन आउटपुट के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट पेश करता है। गाइज, इसके आगे हमारा सेकेंड नंबर पर आने वाला सर्च इंजन है याहू। दोस्तों, इस याहू नामक सर्च इंजन को 1994 में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अगर इस सर्च इंजन की ओनर की बात की जाए तो इस सर्च इंजन पर 19% शेयर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और 10% शेयर वेरिजन कम्युनिकेशन के आते हैं। साथ ही साथ इस याहू सर्च इंजन पर एक्टिव यूजर्स की संख्या 700 मिलियन पर मंथ रहती है। दोस्तों, इसके बाद थर्ड नंबर पर हमने जिस सर्च इंजन को रखा है उसका नाम है डक डक गो। दोस्तों, यहाँ पर डक डक गो एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि यूज़र की प्राइवेसी को सिक्योर या फिर प्रोटेक्ट रखने के लिए बनाया गया था। इस सर्च इंजन को सबसे पहले 25 सितंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। और अगर हम इस सर्च इंजन के एक्टिव यूजर्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस सर्च इंजन पर 0.63% एक्टिव यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं। गाइज, इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमने जिस सर्च इंजन को रखा है उसका नाम है startpage.com। दोस्तों, ये सर्च इंजन नदरलैंड की एक पेरेंट कंपनी सर्फबोर्ड होल्डिंग बीवी के द्वारा 1998 में बनाया गया था। ये सर्च इंजन यूज़र के डाटा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। गूगल के अल्टरनेटिव सर्च इंजन्स की लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर हमारे पास आने वाला सर्च इंजन है वन सर्च। इस सर्च इंजन को भी एक अमेरिकन कंपनी वेरिजन कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ ये सर्च इंजन किसी भी तरह की प्राइवेट सर्च करने के लिए एक बेहतर सर्च इंजन है। गाइस, इसके बाद सिक्स नंबर पर हमारे पास सर्च इंजन है स्विसकोस। दोस्तों, इस स्विसकोस नामक सर्च इंजन को 26 जून 2014 में स्विट्जरलैंड के द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि किसी भी यूज़र को एनोनमसली सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, इसके बाद सेवन्थ नंबर पर आने वाला हमारे पास सर्च इंजन है पीकर सर्च इंजन। अगर बात की जाए इस पीकर सर्च इंजन के बारे में तो इस सर्च इंजन को 2016 में फिलिप एडवर्ड्स के द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये सर्च इंजन गूगल की तरह ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी प्राइवेसी को देखते हुए आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज, इसके बाद एट्थ नंबर पर आने वाला हमारा सर्च इंजन है इकोसिया। दोस्तों, इस इकोसिया नामक सर्च इंजन को जर्मनी के रहने वाले क्रिश्चियन क्रोल के द्वारा 7 दिसंबर 2009 में लॉन्च किया गया था। गाइज, यहां तक कि इस सर्च इंजन के एक्टिव यूजर्स 15 बिलियन से भी ऊपर हैं, और साथ ही साथ ये सर्च इंजन 28+ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसके बाद लास्ट और नाइन्थ नंबर पर आने वाला हमारा सर्च इंजन है गिव वाटर सर्च इंजन। इस गिव वाटर सर्च इंजन को अमेरिका के रहने वाले स्कॉट हैरिसन के द्वारा बनाया गया था।
दोस्तों, ये सभी सर्च इंजन इतने ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये सभी सर्च इंजन टॉप 10 सर्च इंजन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन सभी सर्च इंजन का इस्तेमाल गूगल के अल्टरनेटिव के स्थान पर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? और साथ ही साथ अगर टेक्नोलॉजी के बारे में आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।